नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जब भी मार्केट गिरे, एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पांच फंड, ये पांच फंड जो मैं बताने जा रहा हूँ, होना चाहिए। या तो पहले से चल रहा है, या तो इसको आपको टॉपअप करते रहना है। डाउन, जब जब मार्केट डाउन हो, 3%, 5%, 10% बड़ा गिरावट हो, जैसा कि अभी चल रहा है, तो टॉपअप जरूर करना चाहिए पोर्टफोलियो में। और वो फंड है निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एडलवाइस मिड कैप। तीन स्मॉल कैप है और दो मिड कैप है। मान लेते हैं कि आपके पास 50,000 है, तो 10-10,000 रुपया करके सब में टॉपअप कर देंगे। 1,00,000 रुपया है तो 20-20,000 रुपया सब में टॉपअप कर देंगे। यहाँ पे मैं इस फंड का दिखाता हूँ कि इस फंड में किसी ने जमा करके 12,00,000 रुपया का प्लॉट जैसे खरीदते हैं, वैसे 12,00,000 का प्लॉट ना खरीद के यहाँ इन्वेस्ट किया। या फिर जो ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो 50,00,000 का प्लॉट फ्लैट ना खरीद के यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उसका क्या एक रिकॉर्ड है इस फंड में, यहाँ देखते हैं। सबसे पहला कैटेगरी हमने चुना था स्मॉल कैप कैटेगरी में, और फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का बात करते हैं। 12,00,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 2018 से लेके अब तक 2023 में। उस 12,00,000 का वन टाइम का वैल्यू है 33,64,000, 22% का रिटर्न मिला है। फिर हमने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का बात किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में किसी ने 12,00,000 रुपये उस समय जमा किया था, तो 5 साल के बाद है 24,26,000, 15% का रिटर्न है। और एक फंड लास्ट का है HDFC स्मॉल कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में। यहाँ पे 2018 में 12,00,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट किया, तो वैल्यू है 21,35,000, 12.21% का रिटर्न मिला है। लेकिन इसी फंड में किसी ने 50,00,000 रुपया, 12,00,000 ना करके 50,00,000 रुपया वन टाइम परचेज किया था, तो उस वन टाइम के फ्लैट का वैल्यू यहाँ पे म्यूचुअल फंड में है। पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप, यहाँ पे 2018 में 50,00,000 रुपया प्लॉट फ्लैट ना खरीद के यहाँ इन्वेस्ट किया, तो उसका वैल्यू है 1,40,00,000। ये 5 साल पहले का बात है, 10 साल 15 साल का बात नहीं है। वन टाइम 50,00,000 का वैल्यू 1,40,00,000 किया है क्वांट स्मॉल कैप ने। निपॉन स्मॉल कैप ने 50,00,000 का 2018 में वन टाइम का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1,01,00,000, 15% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। जबकि HDFC स्मॉल कैप ने 50,00,000 का 88,00,000 रुपये बनाया है 12% के रेट से मात्र। तो जो जो लोग जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किए हैं, उसको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। अब मिड कैप कैटेगरी का बात करते हैं। पहला फंड आता है एडलवाइस मिड कैप। यहाँ पे 2013 में ये 10 साल का रिकॉर्ड लिया हूँ, 2013 से लेके अब तक 2023 तक 12,00,000 का वन टाइम का वैल्यू है 68,00,000, 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ये जो 19% अब दिखा रहा है, यहाँ पे जितना चार्जेज है म्यूचुअल फंड में, जो चार्जेज होता है वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। और फंड लिया था हमने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 2013 में 12,00,000 का वैल्यू आज है 65,48,000। ये 65,00,000 में 1-2,00,000 कम हो सकता है, मतलब मार्केट जब लाइफ टाइम हाई था तो 66-67 हो सकता है, पर अभी मार्केट 5-10% डाउन है, तो ये 65,00,000 दिखा रहा है, तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। यहाँ पे मैं आपको एक कैश फ्लो दिखाता हूँ ईयर वाइज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। एक कैश फ्लो है, यहाँ देखते हैं। इस फंड में 10,00,000 रुपया का बात करते हैं। वन टाइम 10,00,000 रुपया लगाया कब, 2013 से लेकर 2023 तक। वन टाइम का कैश फ्लो यहाँ देखते हैं। पहले तो पिछले 10 साल में 1,00,000 का 1,01,00,000 बनाया, 28% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे कैश फ्लो में जाते हैं। 2013 में जब पहली बार 10,00,000 रुपये जमा किए, तो उसके यूनिट का प्राइस था 8.95 रुपये। एक साल के बाद, ये ईयर वाइज है, 2013 के बाद 2014 इसका यूनिट का प्राइस 21 रुपया हो गया। तो 10,00,000 जो लगाए थे, वैल्यू दैट टाइम और वैल्यू टुडे, इसका कुछ मतलब है समझते हैं। 10,00,000 रुपये लगाया, तो एक साल के बाद उसका वैल्यू हो गया 24,22,000। फिर दूसरे साल 2015 में, 2013 से शुरू किया था, 2015 में ये 26,90,000 हो गया। उस समय मतलब 10 साल पहले के, एक साल दो साल के बाद का ये वैल्यू है। और वैल्यू टुडे मतलब वो पैसा उस समय निकाला नहीं, तो आज उसका वैल्यू है 1,01,00,000। 26,00,000 रुपया उस समय 3 साल के बाद चाहते तो निकाल लेते, पर निकाला नहीं, तो आज वैल्यू कितना है, 1,01,00,000। फिर चौथे साल 33,26,000 था, वही 10,00,000 एक बार जमा किया था। अगर भारत देश में बहुत लोग जमा किया होगा, चौथे साल किसी ने निकाला होगा, चौथे साल का मतलब 2016 में किसी ने निकाला, तो उनको मिल गया 33,26,000।
2017, जब मैं 2017 बोलता हूँ तो डेट लिखा हुआ है 18 सितंबर 2017 में निकाला तो 44,82,000 निकाल लिया। पर अगर किसी ने नहीं निकाला और आज भी रिमेन इन्वेस्टेड है तो 1,01,00,000 है। इसी तरह पांचवें साल 48, छठे साल गिर गया 41,00,000 हो गया, तो हाई तो वह मचा होगा 48 से 41 हो गया, फिर 48 हो गया, मतलब 2 साल झूलता रहा। 3 साल का बाद देखिए झूलता रहा 44 से 48 के बीच, 48 48 यहाँ पे है। साल कौन सा चल रहा है, ये साल है 2020, मतलब 2018-19-20 में ऐसे ऐसे झूलता रहा। काल कौन सा था, 2018-19-20 पता ही है, भूतकाल था। तो भूतकाल में ऐसे ऐसे झूलते रहा, सब लोग हम लोग घर में बंद थे, फिर घर से जब निकलना शुरू किए तो 48,51,00,000 हो गया, डर मिट गया, देखा भूत तो कहीं है ही नहीं। बचपन में हम लोग खेलते थे ना, बच्चा अभी भी घर में बच्चे होंगे तो वहाँ मत जाना, उस दुकान में मत जाना, उसके बगल वाला दुकान में जाना, उस दुकान में भूत है, अच्छा इस तरफ की दुकान में मत जाना इधर भूत है, इस तरफ के दुकान में चलना, सिनेमा हॉल मत जाना वहाँ भूत है, स्कूल मत जाना सबसे ज़्यादा भूत वहीं पे है। तो इस तरह से हमने देखा। पर जब बड़े होते हैं बोलते हैं ना बच्चे को पार्क मत जाना भूत है, झूला मत झूलना भूत है, वो बचना चाहते हैं हम लोग कि जाएगा चोट घाट लग जाएगा कुछ हो जाएगा। लेकिन जिसे जिसे बच्चा बड़ा होता गया पता चला उनको, अरे वहाँ तो भूत था नहीं, हमको बचपन से मामू बनाया अभी तक, अच्छा अब हम लोग जान गए हैं सब लोग कि भाई जितना भूत भूत बोला था, इस दुकान में भूत है, उस दुकान में भूत नहीं है, इस रो में भूत है, उधर भूत नहीं है, तो सब पता चल गया, भंडा फोड़ हो चुका है। जैसे ही भंडा फोड़ हुआ 48 का कितना हो गया 91। देखते हैं साल साल महीने दिन गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते मरते जाएंगे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, भंडा फोड़ होना जरूरी है। तो 2021 में देखे आप 10,00,000 का 91,00,000 हो गया, और अब मतलब यहाँ डेट लिखा हुआ है 16 सितंबर 2022 में 1,02,00,000, 16 सितंबर 2022 में 1,02,00,000 था उस समय, अब गिर गया 1,01,00,000 हो गया। कब से कब तक देखते हैं, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने के बाद 3 फरवरी 2023 को अभी करेंट में ये गिर गया 1,01,70,000 हो गया। कहाँ तो 5 महीना पहले कितना था 1,01,82,000, तो कम हो गया ना 1,00,000 रुपये कम हो गया। तो क्या करें, मर जाएं डूब जाएं खो जाएं हरा गए क्या करें। किसी ने इसी समय पैसा लगाया होता या होगा 16 सितंबर 2022 में तो उनका पैसा तो कम होगा ना, लेकिन पहले से किया हुआ, इसलिए बोलते हैं आपको वही पैसा लगाना है जो आपकी ज़रूरत का 10-15 साल नहीं है। आप जो भी पैसे लगा रहे हैं उस पैसे को लंबे समय तक छोड़ना है। तो इस तरह से कैश फ्लो है। अब नौटंकी क्या होता है, कौन कौन से पैसे को लगा देना चाहिए, जो भी ट्रेडिशनल प्लान आपका चल रहा है बंद कीजिए, हो गया जितना कहानी अब नहीं करना है। यूलिप चल रहा है, सेफ सेफर सेफेस्ट चल रहा है, वो सबको क्लोज कीजिए और म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे टॉपअप करते शुरू कीजिए। अगर 10 साल 15 साल टाइम है तो आप अगर बैंक जाते हैं ना, कोई भी बैंक, आजकल का हालत ऐसा हो गया मार्केटिंग का, आप चेकबुक इशू करने चले जाइए। अच्छा आप आए हैं बहुत दिन के बाद आए हैं, ये 10,000 का ये ले लीजिए ना, ये वाला पॉलिसी 20,000 का ले लीजिए, 50,000 का ले लीजिए, आप भी बोलेंगे चलो ले लेते हैं, बस फंस गए, कहानी ख़राब है। अब अगर पासबुक अपडेट करने गए तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फंसता है लोग यहाँ पे, मजबूरी का फायदा, लोन लेने गए 50,000, कुछ ज़रूरी है, बच्चे का फी देना है, बच्चे का शादी है, घर बनाना है, तरह तरह का काम है, 50,000 गए लेने लोन, बोलेंगे 10,000 का एक पॉलिसी ले लीजिए ना, 50,000 तो आपको मिल ही जाएगा, 10,000 का ले लीजिए, 40,000 में काम चला लीजिए, मना करेंगे आप। पहले तो वो 25 का बोलेंगे, फिर 20 पे आएंगे, फिर 15 पे आएंगे, फिर 10 पे जब आएंगे तो बोले कुछ ना कुछ तो कर लीजिए, कुछ ना कुछ करके आप ले लिए। जब इस तरह का नाटक चलेगा ना मार्केटिंग का, तो आपको बोलना है कुछ ना कुछ तो हम लेंगे ही जरूर, चेकबुक अपना निकालिएगा, स्मॉल कैप उसमें लिख दीजिएगा। आप जो सब बैंक में, सब बैंक को अपना म्यूचुअल फंड है, ICICI में है ICICI स्मॉल कैप, HDFC से लोन लेने गए हैं HDFC स्मॉल कैप, SBI में गए हैं SBI स्मॉल कैप, SBI मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, 10,000 का चेक काटिए ये लीजिए, इसमें कर लीजिए। होगा क्या, वो जो आपको बताएंगे अगर वो ले लिए तो उनको पॉइंट खूब ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। और आपने जो ये पढ़ के वीडियो देख के उनको बोल दिया चेक पे घस करके कि ये दे दो स्मॉल कैप, तो उसमें बहुत कम 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 कम
पॉइंट मिलेगा। अगर इनको ज़्यादा पॉइंट मिला तो उनका हॉलीडे, उनका नहीं जो बेच रहे हैं, उनके ऊपर मैनेजर हैं बैठे हुए, वो घूमेंगे विदेश में जाके। पैसा किनका है? आपका। और ये वाला जो आप दे दिए, जो हमने बताया फंड स्मॉल कैप स्मॉल कैप, तो उनको पॉइंट कम मिलेगा तो वो विदेश कभी जा नहीं पाएंगे। मैं कभी नहीं जा पाया, मैं आज तक नहीं गया हूँ कहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कहीं घूमने नहीं। लेकिन हमारे जो मित्र हैं 8-10 जो इंश्योरेंस यूलिप और ये सब बेचते हैं, सब बाहर घूमते हैं, मज़े करके आते हैं। हमें ऐसा मज़ा चाहिए ही नहीं। हम तो सुबह सुबह पार्क में धूप में 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं, हमें उसी में मज़ा आता है। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। जो लोग म्यूचुअल फंड में मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, वो शुरुआत में मात्र 100-100 रुपये का इन्वेस्ट कीजिए। 1 साल के बाद जब सब डर आपका मिट जाए, फिर यहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।